हेलो स्टूडेंट्स। यार दो दिन से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था एंड आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक सा रहा है। तो आज भी मैंने थोड़ी देर पहले, कल भी देख लेती बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस पर थोड़ा गौर किया कि बीटेक के लिए मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी नहीं रही, तो समझ नहीं आया मतलब ये क्या हो क्या रहा है। मैंने थोड़ा पढ़ा इसको तो पता चला कि अरे तो कंपलसरी हटा दिया, मतलब कंपलसरी है ही नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अजीब सी चीज़ हो गई। आई थिंक जैसे मैं बीटेक ही हूँ, है ना, मैकेनिकल में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें फिजिक्स की आती है। इवन आप कोई सा भी बीटेक अगर करते हो तो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ही होती है। इवन फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मैं मर्ज कर दूँ ना और फिर उसको मैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दूँ तो बेसिकली वही बीटेक है। बीटेक का मतलब ही क्या होता है कि जैसे हम बात कर सकते हैं कि भाई फिजिक्स, हम जैसे मैकेनिक्स की बात करेंगे, है ना, मैकेनिक्स की थोड़ी बहुत थर्मल को लेके अगर मिक्स करके हम लोग अगर कुछ ब्रांच बनाएंगे थोड़ी बहुत फ्लूड वगैरह को लेके तो मैकेनिकल बन जाएगी, ठीक है। सिविल में कुछ ऐसा होता होगा, है ना, सिविल में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जैसे वहाँ पे सोम आता है एक, साथ में वहाँ पे और भी चीज़ें आती है ना, सॉलिड टॉस वगैरह, ऐसे कुछ ज़्यादा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, तो इस तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आई थिंक फिजिक्स के बिना तो कैसे है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इवन हर प्रकार के इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है। मैथ्स तो जिसमें कंपलसरी है ही है ना, तो हटा दिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हटाया है, क्या सोच के डिसीजन लिया गया है, पर ठीक है जो भी है कुछ अजीब सा डिसीजन हुआ है। तो आई थिंक इसको वापस लेना चाहिए क्योंकि ये डिसीजन एजुकेशन सिस्टम के लिए आई थिंक सही नहीं है।